वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, दिस इज़ रिम्पी कटियार व्लॉग। सो मैं हूँ रिम्पी कटियार आपके सामने। सो आज का नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आ चुकी हूँ सलोन में इस टाइम पे। सो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या चल रहा है। क्या कर रही हो मैडम यहाँ पे? आप बातें कर रहे हो फोन पे? देख लो, मैं नहीं होती ना तो ये बातें करते हैं। देखो ये घूम के आ रहे हैं। कहाँ से घूम के आ रहे हो? खाना लेके। मैं जब तक नहीं होती ना तब तक इनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये देख लो यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, ये ऊनो खेल रहे हैं। ये आके यहाँ पे क्या करने आए हो? यहाँ पे डिस्टर्ब करने आए हो सबको, है ना? और ये देखो, हाँ ये देखो, ये इनका टाइम पास करने के लिए, जब तक इनके पास काम नहीं होता तब तक इनको ये खेलने में लगाए रखते हैं। देख लो अभी यहाँ पे किसी का काम चल रहा है। हाय, थोड़ा अभी मॉर्निंग का टाइम है तो क्लाइंट्स, अभी धूप बहुत हो रही है बाहर, आफ्टरनून में क्लाइंट्स नहीं आते हैं, थोड़ी देर तक स्टार्ट होते हैं। तो गाइज मेरी थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी बिकॉज ये थोड़ा सा यहाँ पे ड्रायर वायर चल रहा है, काम हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही, तो मॉर्निंग में बेसिकली मैं लेकर आई हूँ 2 बेसन का चीला, ज़्यादा नहीं लिया मैंने। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको 18 आवर्स की फास्टिंग करनी होती है एंड विंडो जो होती है वो 6 आवर्स की होती है या 8 आवर्स की रख सकते हो, आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने आवर्स की विंडो रखनी है। तो बेसिकली आई हैव केप्ट माई विंडो फॉर 6 आवर्स, तो मैं 6 आवर्स के लिए ही खा सकती हूँ जो कि है मेरी 12 to 6। तो मैं 12 o'clock अपना जो ब्रेकफास्ट है या ब्रंच कह सकते हो आप, तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 2 मील्स ले सकते हो एंड बीच में आप अगर टी वगैरह कॉफ़ी वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। तो मैंने जो ब्रेकफास्ट में लिया है 2 बेसन का चीला विद 1 कप ऑफ टी, लो फैट मिल्क टी, मतलब टी बनाई थी मैंने तो वो ली है मैंने। अभी लंच नहीं करते हैं इसमें, तो लंच में मैंने रखे हैं अपने लिए फ्रूट्स, तो कोई भी फ्रूट आप बेसिकली ले सकते हो। तो मैंने अभी आज चूज़ किया है वो वाटरमेलन चूज़ किया है एंड 6 o'clock पर मैं डिनर करूँगी। आपको डिनर में भी ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं क्या खा रही हूँ। तो मेरी जो वेट लॉस जर्नी है आप ज़रूर उसके साथ पार्टिसिपेट कीजिए मेरे साथ, और अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग करनी है, कोई डाउट है इस रिलेटेड तो आप मुझे आस्क कर सकते हैं मेरे ब्लॉग में। बेसिकली मैं बता दूँ कि मैं किसी डाइटिशियन की हेल्प नहीं ले रही हूँ एंड कोई इंटरनेट कहीं से भी मैं हेल्प नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पहले भी कई बार डाइटिंग की है, डाइटिशियन की हेल्प ली है, तो अभी मुझे काफ़ी नॉलेज हो गई है। तो मैं अपने आप से ही सारा डाइटिंग वगैरह सब चीज़ मैंने बनाया अपना डाइट चार्ट। तो गाइज अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो गाइज हम लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत क्राउड होता है यहाँ पर, मतलब क्राउड नहीं है, बहुत सारी बाइक्स और स्कूटीज निकलती हैं हमारे यहाँ से, और हम वीडियो बना रहे हैं और एक एक बंदा से देखते मुड़ते हुए देखते हुए जा रहे हैं यहाँ से। तो फिर भी देखो हमारी हिम्मत, देखो हमारे गट्स, देखो हम तब भी शूट कर रहे हैं ना। तो गाइज अभी हम घर आ चुके हैं खाना खाने के लिए। जैसे कि आपको टाइम बताया था मैंने कि 6 बजे का डिनर होता है हमारा, तो वैसे तो डिनर इतनी जल्दी नहीं बन पाता क्योंकि मैं काम पे होती हूँ और मम्मी इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में जो वेजिटेबल बनती है उसे हम फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं और इवनिंग में वो वाली खाती हूँ। तो बेसिकली मैं ये वाला फंडा अपनाती हूँ। तो आज बना है हमारे पास छोलिया पनीर है और मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी थी तो मैंने एक रोटी थोड़ी बिग साइज़ की बना ली है, आप 2 स्मॉल चपाती भी खा सकते हो, और थोड़ा सा मैंने सैलड लिया क्योंकि जैसे बताया मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। तो गाइज अब इसके बाद मैं कुछ नहीं लेने वाली, ये लास्ट टाइम मेरा सफ़र है ये, और लास्ट फूड है ये आज का, और इसके बाद मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी अब, और बस बाकी मॉर्निंग में फिर से 12 o'clock पे हम लोग फिर से अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये हमारा मेकअप हो चुका है तो थोड़ा सा क्लोजली देख लेते हैं, इनको बहुत ही सटल मेकअप चाहिए था, ठीक है? सटल लुक आ गई बिल्कुल। यस बिल्कुल, थैंक यू सो मच, वेलकम। तो अभी इनका फाइनली अभी ये हेयर स्टाइल होने जा रहा है, पहले इनके हेयर की लेंथ देखते हैं। वाओ कैसे मेंटेन करते हो इतने लंबे हेयर लेंथ, क्या राज है इसका, कोई है राज? घर में सबके लंबे हैं। ओह माय गॉड, काश हमारे भी होते इतने लंबे लंबे हेयर। बहुत अच्छे हैं, चलो वेलकम। अभी इनकी स्टाइलिंग हो रही है, फिर स्टाइलिंग के बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। हाँ करवाने तो कल से ही है, कितना टाइम हो गया लोकेश? आधे घंटे से कल से कर रहा हूँ। ये इनकी सिस्टर है, ये देखने आई है कि रेडी हो गई कि नहीं हो गई, बट ये भूल गए थे कि इनके बहुत लंबे हेयर है, इनके कर्ल्स करने में ही कम से कम इनको 1 घंटा लगेगा, अभी आधा घंटा हो गया, अभी मेरे ख्याल से अभी आधा घंटा और लगेगा, और ये 2 लोग मिलके कर्ल्स कर रहे हैं फिलहाल, और इनके हाथ भी दुख चुके हैं। इनके हाथ दुख चुके हैं? नहीं हाथ तो नहीं दुखे होंगे, स्टाइलिंग तो पूरा दिन करवा लो इनसे, काम तो बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, पूरा दिन काम करते हैं, बट चलो कोई नहीं, ऐसे बाल भी आने चाहिए, एक्सपीरियंस मिलता है ना लोगे। तो ये हो गया फाइनल रेडी, ठीक है?
यू आर लाइकिंग द लुक? यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. वेलकम. आइज बंद करना एक बारी. ये है इनका आई लुक. बिल्कुल सटल लुक है ये इनका. एक बार हेयर जरूर दिखा दो क्योंकि आपके ये वायरल हेयर हैं जो हमें जरूर दिखाने हैं. ऐसी कितने टाइम लगा इसका हेयर स्टाइल में? हमें पूरा 1 आवर लगा ना शायद. हाँ, ज्यादा लगा होगा. मेकअप हमारा 1/2 आवर से भी लेस में हो गया था एंड हेयर स्टाइल में 1 आवर, मोर देन 1 आवर. वेलकम वेलकम. थैंक यू गाइस. हमने फिलहाल लॉक लगा दिया है. लगा दिया अच्छे से लॉक? ठीक है, चलने के लिए तैयार हो? अब थक गए ना बहुत ज्यादा इतने लंबे लंबे हेयर करने के बाद तो. और ये है गाइस, ये देखिए, ये मेरे व्लॉग को बीच में जरूर डिस्टर्ब करने आता है. ठीक है, तो जल्दी से सबको बोल दो कि लाइक एंड कमेंट जरूर करना. बोलो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना गाइस. तो फिर आपको सबको ध्यान रखना है, लाइक कमेंट शेयर सबको करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है. ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. बाय.